का वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइस, जो बहुत ज्यादा धूप के कांटेक्ट में रहते हैं या फिर जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है और स्किन उनकी बहुत ज्यादा टैन हो चुकी है धूप के कांटेक्ट में रहने से। तो ये वीडियो उन सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निगार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का ये वीडियो उन सारे ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो अपनी स्किन की टैनिंग की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं या फिर उनको बहुत ज्यादा फील्ड वर्क रहता है, आप ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है और थोड़े से भी धूप के कॉन्टेक्ट में आने से आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइस, क्योंकि आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ न्यूट्रीग्लो सनस्क्रीन फेयरनेस लोशन का और इसको मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से। तो गाइस, ये न्यूट्रीग्लो सनस्क्रीन लोशन है विथ एसपीएफ 40 पीए ट्रिपल प्लस। तो इसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये बॉडी लोशन, फेयरनेस लोशन आपको बाय करना चाहिए या अगर आप बाय करते हैं तो किस तरह का आपको ये मिलता है और इसमें कितनी क्वांटिटी है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइज, इससे पहले भी मैंने आपके साथ न्यूट्रीग्लो के ढेर सारे रिव्यू शेयर किए हैं और उन वीडियोस को आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और उस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद आपको बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट मिला जिस तरह का मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिया गया जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर बेस्ट होम रेमेडीज DIYs के अलावा मिलते हैं ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू के वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं और इसी तरह के ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं न्यूट्रीग्लो फेयरनेस लोशन का ऑनेस्ट रिव्यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस फेयरनेस लोशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस बॉटल में जो मेंशन किया हुआ है गाइस, ये नॉन स्टिकी ऑयल कंट्रोल है, यानी बिल्कुल भी चिपचिप वाला नहीं है। कोई भी बॉडी लोशन या फेयरनेस लोशन आप जब अपनी तो आपको चिपचिप सी लगती है तो वो बिल्कुल आपकी नहीं होगी। ऑयल को ये कंट्रोल करता है, अगर आपकी स्किन पे ऑयल आता है, ठीक है, आपकी स्किन ऑयली है तो उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा 10x वाइटनिंग इफेक्ट है, 10 गुना आपकी स्किन को वाइटन अप करता है। यहाँ पे दिया हुआ है स्वेट फ्री रिफ्रेशिंग फॉर्मूला है, यानी स्वेटिंग अगर आपको ये होती है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है और एक रिफ्रेशिंग वाला आपको फील कराता है। इससे आपके चेहरे पे फ्रेशनेस नज़र आती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट टैनिंग एंड एजिंग, तो अगेंस्ट ये आपकी टैनिंग को प्रोटेक्ट करता है और एजिंग के साइन जैसे हमारी स्किन पे बहुत बहुत महीन सी झुर्रियाँ नज़र आने लगती हैं या रिंकल्स इस तरह की नज़र आने लगती हैं तो उनको ये प्रोटेक्ट करता है, रिड्यूस करता है। इसके अलावा वाइटन्स डल एंड डैमेज स्किन, यानी डल और डैमेज स्किन जो हमारी हो जाती है, स्किन पे डलनेस हो जाती है, टैनिंग हो जाती है तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है और वाइटन अप करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम UVA एंड UVB रेस, तो सूरज की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है, उनसे हमारी स्किन की हिफाजत करता है। अब हम इसकी बात करेंगे कि इस बॉटल में कितनी क्वांटिटी आपको मिलती है। तो गाइज, 120 ml क्वांटिटी आपको इस बॉटल में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंशन है 120 ml काफ़ी होता है गाइज। इसको मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से, ठीक है। और इसका अब मैं आपको प्राइस बताती हूँ। तो प्राइस यहाँ पे गाइस मेंशन किया हुआ है 275 रुपीज़, बट मैंने इसको बाय किया है ओनली 250 रुपीज़ में, तो थोड़ा सा आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है। और 250 रुपीज़ में गाइस ये बहुत ही प्यारा आपको फेयरनेस बॉडी लोशन मिलता है। अगर आप अपनी स्किन की टैनिंग से परेशान रहती हैं, डलनेस से परेशान रहते हैं या फिर आपका बाहर का बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, धूप के कांटेक्ट में आप ज़्यादा देर तक रहते हैं, स्किन पे जलन फील होती है, स्किन डल हो जाती है या फिर कालापन आपको अपनी स्किन पर नज़र आता है तो ये फेयरनेस लोशन को आप आराम से कैरी भी करके ले जा सकते हैं, इसको आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसके बारे में बताते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है गाइस। तो इसकी शेल्फ लाइफ यहाँ पे 3 ईयर्स की दी हुई है, 3 साल की शेल्फ लाइफ है। इसको आराम से आप 3 साल तक यूज कर सकते हैं, बट ये इतना हम डेली अगर यूज करेंगे तो 3 साल तो सवाल ही नहीं उठता है, बहुत जल्दी हमारा खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेग्रेंस की बात करें गाइज, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, एक बहुत ही एरोमा वाली आपको इसमें स्मेल मिलती है। अब मैं दिखा रही हूँ इसकी बॉटल आपको, देखिए ये इस तरह का कुछ आपको कैप इसमें पहले बड़ा सा मिलता है, उसके बाद एक और प्रोटेक्ट करता है इसको, एक और कैप है इस बॉटल में, ये देख लीजिए। कुछ पंप में आपको ये फेयरनेस लोशन मिलता है। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वाकई लग रहा है कि ऑनेस्ट रिव्यू मैं दे रही हूँ, तो प्लीज नीचे दिया गया जो सब्सक्राइब का बटन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह के प्रोडक्ट रिव्यू के मेरे वीडियो मेरे चैनल पर मिलते हैं। तो ये पंप बॉटल में आपको मिलता है, बहुत ही अच्छा, इजीली आप इसको अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और इसका टेक्सचर अब मैं आपको दिखाती हूँ, कितना क्रीमी टेक्सचर है गाइस। ये थोड़ा सा
मैंने लिया है और इसको अपने हैंड पे मैं अप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली और बहुत ही स्मूथली आपके हैंड पे या आपकी बॉडी पे बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। आप देख सकती हैं बहुत ही जल्दी मेरी पूरी स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो गया है और बिल्कुल भी गाइस मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने अपने स्किन पे कुछ भी अप्लाई किया है। तो बिल्कुल नॉन स्टिकी है, बिल्कुल चिपचिप नहीं है इसमें। बहुत सारे लोगों की स्वेटिंग बहुत जल्दी हो जाती है अगर आपको कोई फेयरनेस लोशन या बॉडी लोशन इस तरह का कुछ अप्लाई करती हैं तो पसीना आने लगता है, तो वो भी आपको इसमें नहीं होता है, ठीक है। आप देख सकती हैं गाइस बिल्कुल चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्मूथ मेरी स्किन लग रही है। एक ग्लो ये प्रोवाइड करती है, स्किन आपकी शाइन भी करती है इससे। तो स्किन आपकी ड्राई है अगर तो भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं, स्किन की ड्राइनेस को भी ये खत्म करता है। अब मैं गाइस इसके की इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स जो दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं इसमें। रेसबेरी सीड ऑयल है, ग्लिसरीन है इसमें, इसके अलावा एलोवेरा है, कैमोमाइल है, ल्यूकरिश है, कोको बटर है और वाइट वाटर लिली है। तो ये सारी ही चीज़ें गाइस हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं। वाइट लिली हुआ, कोको बटर हुआ या फिर एलोवेरा की हम बात करें, ल्यूकरिश यानी मुलेठी से हम अपनी स्किन की रंगत को बहुत ज़्यादा फेयर बनाते हैं, स्किन के कलर कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। तो की इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन को ये ग्लो प्रोवाइड करते हैं, शाइन प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा हमें फेयरनेस भी देते हैं, ठीक है। तो की इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं गाइस। और इसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, यहाँ पे इन्होंने अपना कस्टमर केयर नंबर विद ईमेल आईडी दिया है, ठीक है। तो ये फ्री बिल्कुल कॉलिंग आप इस पर कर सकती हैं, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है तो ये आप यहाँ से आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं इस बॉटल की क्वालिटी की अगर बात करूँ तो क्वालिटी की आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही कोई महंगा प्रोडक्ट है, बहुत ही हाई क्वालिटी है इसकी। पैकेजिंग भी बहुत ही वंडरफुल है, बहुत अच्छी है इसकी। तो गाइस ये बॉडी लोशन पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रेवल फ्रेंडली है, अगर आप कहीं जा रही हैं तो इसको आप आराम से कैरी कर सकती हैं, ले जा सकती हैं। अब बात करती हूँ कि किस तरह से आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका इसमें दिया हुआ है कि जब आप बाहर निकलें, जैसे आपको कहीं जाना है, तो उसके 15 मिनट पहले आप इस लोशन को अपने फेस पे, अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लीजिए या जो पार्ट आपका बॉडी का खुला रहता है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपका मुस्तकिल जो है धूप के कॉन्टैक्ट में आप बराबर रहते हैं तो फिर आप इसको 4 घंटे के बाद फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैरी करके ले जाना चाहते हैं बाहर तो ले जाइए और 4 घंटे बाद आप इसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आई के कॉन्टैक्ट से आपको इसको बचाना है। इसके अलावा अगर आप स्विमिंग करने जा रही हैं या सन बाथ लेने जा रही हैं तो उससे पहले भी ये फेयरनेस लोशन आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, ये आपको यूवी रेस और सन रेस से प्रोटेक्ट करता है। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आज आपको दिया है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप उससे बोलते हैं कि भाई मैं जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ उसका लिंक मैं दे दूँ, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अगर चाहें तो वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा न्यूट्री ग्लो फेयरनेस लोशन का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिया गया जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और घंटी का बटन जो आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप नोटिफिकेशन के जरिए उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो बेस्ट ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू के वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। अब बात कर लेते हैं आज के गिव अवे की क्वेश्चन की। तो गाइज मेरा आज का गिव अवे का क्वेश्चन है कि इस जो स्किन वाइटनिंग जो ये लोशन है इसमें की इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से कितने का बाय किया है?